उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। इस बीच उन्नाव के आरटीओ दफ्तर में दबंगों द्वारा रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने आरटीओ कर्मचारी से रंगदारी मांगी और ना देने पर ऑफिस में घुसकर कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, उसे रुपए और सोने की चैन भी लूट ली। पीड़ित आरटीओ कर्मचारी मनोज मिश्रा और मोनू मिश्रा का आरोप है कि दबंगों को बीजेपी के सदर विधायक पंकज गुप्ता का संरक्षण हासिल है। अब वैसे उन्नाव आरटीओ के दफ्तर की यह पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी सत्ता पक्ष से जुड़े लोग आरटीओ दफ्तर को अपना निशाना बना चुके हैं। इस बार भी मामला सत्ता दल के विधायक से जुड़ा होने की वजह से पुलिस मामले से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की बात कही है। सदर विधायक के संरक्षण की वजह से ये लोग लगातार रंगदारी मांग रहे हैं और इनका कहना है कि चाहे जो भी सरकार हो, रंगदारी तुम्हें तब तक देना पड़ेगा जब तक कि आरटीओ ऑफिस से जुड़े रहोगे या उन्नाव जनपद में निवास करोगे। आरटीओ एडमिन के वहाँ प्रेजेंस में हुई है मारपीट और संविदा कर्मी हैं पंकज मिश्रा, उनके तहरीर पर मुकदमा लिख दिया गया है, उसमें शीघ्र गिरफ्तारी होगी और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ मारपीट की घटना की जानकारी मुझे हुई है, फ़ोन पर जानकारी हुई, अभी कार्मिक से मेरी फेस टू फेस बात नहीं हो पाई है। FIR दर्ज हो गई है उस मामले में